कल चिराग पासवान देश की 18वीं लोकसभा अध्यक्ष पद की नियुक्ति होने के बाद ओम बिरला को किस तरीके से चिराग पासवान धन्यवाद पत्र में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने पूरे सदन का किस तरीके से अपने तरफ ध्यान आकर्षित कर लेते साथियों, ये भाषण को पहले आप पूरी तरह ध्यान तरीके से सुन लीजिए साथियों। चिराग पासवान का चिराग पासवान, थैंक यू सो मच स्पीकर साहब। सर सबसे पहले आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कांग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस शेयर पर देखकर 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है। हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है, उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं और युवाओं को ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है, उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में किए गए उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। तो आपने सुनी चिराग पासवान जिस तरीके से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष पद पर ओम बिरला के नियुक्ति होने के बाद चिराग पासवान ने जबरदस्त तरीके से संसद में चिराग पासवान ने संबोधन करते हैं और संबोधन में चिराग पासवान ने पूरे सदन का ध्यान कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ओर आकर्षित हो जाता है। साथियों चिराग पासवान कहीं ना कहीं सबसे माइंडेड नेताओं में से एक होते हैं और चिराग पासवान की इतनी बढ़ती काबिलियत है साथियों, चिराग पासवान जो कि बिहार के सबसे चर्चित नेता चर्चित सांसद सबसे तेज तरह सांसद बनाए जाते साथियों चिराग पासवान। चिराग पासवान किस तरीके से और बयान देते हैं पूरी बातों को आप लोग ध्यान लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप चिराग पासवान ने ओम बिरला को जिस तरीके से अध्यक्ष पद की नियुक्ति पर संबोधन करते चिराग पासवान, वही चिराग पासवान विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से प्रहार करते चाहते हो। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके चिराग पासवान ने संसद में बताते हैं कि कोई भी विपक्ष एक तरफ दूसरे की तरफ जब उंगली उठाने का काम करता है तो उसकी सारी उंगलियां उसके तरफ होती साथियों। चिराग पासवान के सदन में जिस तरीके से लोग तालियां बजा रहे थे साथियों, और सुन लीजिए चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं। पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहाँ पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने विपक्ष को जबरदस्त तरीके से बताया साथियों, लेकिन संसद का जो संबोधन सत्र था कल अभी तो चिराग पासवान उतरी पर सीमित रह गए, लेकिन एक बात और चिराग पासवान के आप सुन के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूँ, पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूँ और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। तो आपने सुने कि चिराग पासवान किस तरीके से ओम बिरला को अगले 5 साल के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और पिछले 5 साल के लिए चिराग पासवान बधाई देते हैं ओम बिरला को। साथियों चिराग पासवान की बातों से पूरी तरीके से संसद में गूंज होती है, चिराग पासवान सभी लोगों को ध्यान अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ये चिराग पासवान की सबसे बड़ी काबिलियत है। साथियों तो अभी के लिए इतना ही, मैक्स पासवान अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों जय हिंद जय बिहार।